नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट हूं, बट मैं एज अ हॉबी हार्ट के बारे में, खाने के बारे में लोगों को एजुकेट करते रहता हूं। तो आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं और उसका नाम है एप्पल का सिरका। हम लोग अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एप्पल सीडर विनीगर। ये है क्या चीज पहले ये समझते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं कभी अमेरिका में गया था और वहां पे कोई फेस्टिवल चल रहा था। वहां पे लोग एक दूसरे के घर जाते रहते हैं, देखते मिलते रहते हैं, सब घूमते रहते हैं और सब कोई अपने घर के सामने जूस पिलाता था एप्पल सीडर निगर का। तो मुझे एक कप मिला, मैं पिया, बड़ा खट्टा सा लगा था। वो पहली बार मुझे पता चला एप्पल सीडर विनीगर कुछ होता है। पीछे जब रिसर्च किया पता चला ये बहुत काम की चीज है। होता क्या है पहले ये समझिए, एप्पल का जूस है ना, ये एप्पल का जूस एक्चुअल में नहीं है। इसके अंदर कुछ फर्मेंटेशन किया जाता है, इसमें ईस्ट डाला जाता है और वो एप्पल का जो शुगर होता है एप्पल जूस के अंदर उसको वो फर्मेंट कर देता है, उसको बना देता है अल्कोहल और उसके बाद एसिटिक एसिड बन जाता है उससे। और वो एसिटिक एसिड इसको कड़ुआपन देता है, इसको एसिड बना देता है, एसिडिक नेचर बना देता है। तो एप्पल सीडर विनीगर का बहुत यूज है, पर सबसे ज्यादा यूज होता है हार्ट के लिए। और उस हार्ट के यूज के लिए उसमें चार चीज डाला जाता है, एप्पल का सिरका। और याद रखिएगा एप्पल जूस नहीं है वो, आपके घर पे बनाने के लिए उसको ईस्ट चाहिए, तो इसलिए बाजार से ही खरीदना पड़ता है मोस्टली। और ये एप्पल के सिरका के संग अदरक, लहसुन और नींबू और हनी, मतलब शहद, ये चार चीज को ऐड करके एक जूस बनाया जाता है। वो एक दो चम्मच लेने से हार्ट के लिए बहुत फायदा माना जाता है और ये भी माना जाता है हार्ट की ब्लॉकेज को रिवर्स करने में भी थोड़ा बहुत मदद करता है। तो आप एप्पल सीडर विनेगर जरूर हार्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अलोंग विद दीज फोर आइटम्स। तो चलिए एप्पल सीडर विनीगर के और बहुत सारे फायदे हैं, वो एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। इसका एसिडिक नेचर होने से ये एंटीबैक्टीरियल होता है। तो एंटीबैक्टीरियल होने से क्या होता है, कोई भी चीज के अंदर आप अगर प्रिजर्वेटिव के हिसाब से एप्पल सीडर विनीगर डालते हैं तो वो एसिड बन जाता है, बैक्टीरिया उसको ग्रो नहीं करने देता है और वो आपके काम में आ जाता है, वो खराब होने से बच जाता है सामान। तो प्रिजर्वेटिव के हिसाब से यूज होता है, एंटीबैक्टीरियल यूज होता है। चेहरे में एप्पल सीडर विनीगर के संग पानी को मिला के एक लिक्विड बनाया गया और उसको अगर स्किन में अप्लाई किया जाए, चेहरे में अप्लाई किया जाए तो शाइन बढ़ता है, ये एक बहुत कॉमन चीज है। अच्छा, टूथब्रश से आप अगर एप्पल सीडर विनीगर लेके उसका ब्रश भी करते हैं तो बहुत सारे जो डेंटल क्लीनिंग होने का काम बहुत अच्छा हो जाता है। और एंटी डैंड्रफ के हिसाब से भी यूज होता है एप्पल सीडर विनीगर के संग। अगर आप पानी मिला के सर में यूज करते हैं तो बालों का शाइन भी बढ़ाता है और एंटी डैंड्रफ का भी काम करता है। एप्पल सीडर विनीगर का हॉट ड्रिंक तो आपको मालूम है बहुत पॉपुलर है अमेरिका में और बहुत सारे कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में एप्पल सीडर विनीगर लोग आते हैं तो उनको जैसे हम लोग चाय ऑफर करते हैं वो एप्पल सीडर विनीगर के जूस दिया जाता है। माउथ वॉश के हिसाब से भी बहुत यूज होता है इसका, और कोई भी मुहासे वगैरह होता है उसमें भी एप्पल सीडर विनीगर लगाया जाता है। तो एप्पल सीडर विनीगर के बहुत सारे यूज है, पर हार्ट के लिए इसका यूज आजकल काफी पॉपुलर हो गया, तो आप इसको यूज कीजिए एज अ प्रिजर्वेटिव। हाँ, बहुत सारे खाने में इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जैसे बहुत सारे चीज जैसे सूप्स है, सॉस है या केक्स है या कैंडीज है, उसमें एप्पल सीडर विनीगर ऐड किया जाता है कि उसका टेस्ट थोड़ा सावर हो जाए उसके हिसाब से। तो आपको एप्पल सीडर विनीगर के बारे में बताया हमने, एप्पल का सिरका, और ये काफी पॉपुलर आजकल हो रहा है इंडिया में। पहले तो यूज नहीं होता था पर अब बहुत सारे घर में एप्पल का सिरका मंगाया जाता है अलग से और हार्ट के लिए भी यूज होता है। तो आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए और जिंजर, गार्लिक, हनी और लेमन के संग एप्पल सीडर विनीगर लिया जाए तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बात आपके लिए आज बताना चाहता हूँ। आज के लिए विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। थैंक यू सो मच।